शायद वो वक्त नज़दीक है जब ये लश्कर चलेगा, लेकिन ये वक्त कब आएगा ये अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता है। लेकिन ये निशानियाँ पूरी होती दिख रही हैं और साथ ही कयामत की भी निशानियाँ पूरी होती जा रही हैं जो हमारे नबी ने बताई थी, जैसे कि जलजलों का आम हो जाना, अरब की सरजमीन पर हरियाली निकलना और अरब के लोगों का बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में मुकाबला करना, और ना जाने ऐसी कितनी निशानियाँ जो अब पूरी हो चुकी हैं और जो आगे पूरी होने वाली हैं। और दज्जाल का निकलना तो कयामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी है जो लोगों को गुमराही के रास्ते पर ले जाएगा और उसका भी खात्मा अल्लाह फरमाएगा। मेरे एतबार से मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छी मौत कुछ नहीं होगी कि माँ मेहंदी के लश्कर में जाकर शहादत नसीब हो। मैं नहीं जानता कि ये वक्त कब आएगा, लेकिन हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमें उस लश्कर का सिपाही फरमाए और इस लश्कर से यरूशलम को फतह फरमाए और उस जंग में शहादत फरमाए जिसमें माँ मेहंदी हो। मैं जानता हूँ कि हमारे अभी इस वक्त मुसलमान नौजवान में वो जज्बा मौजूद है और शहादत को गले लगाना चाहते हैं, लेकिन हमें हमारी नबी की सुन्नत पर भी चलना पड़ेगा। और आप लोग भी ज़रूर दुआ फरमाएँ कि हमें जंग में अल्लाह इमाम मेहंदी के साथ शहादत नसीब अता फरमाए।